हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के नीचे चलता हुआ टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं मंजीत शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां से मीडिया से जो भी अपना वीडियो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे कोई अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो चलिए मैं अब इसके नीचे चलता हुआ टेक्स्ट लिखूंगा। तो उसके लिए हमें लेयर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एडिटिंग बाय मंजीत शर्मा, हो गया। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और आने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है उसको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको भी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसको ओके कर देना है और फिर इसको सिलेक्ट करके और इसको यहाँ पे लाना है सबसे इधर राइट साइड, ठीक है। उसके बाद इसको जितना लंबा चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जितना देर का आप रखना चाहते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है की वाले ऑप्शन पे और इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और इसको लास्ट में ले जाकर फिर इसको यहाँ से पकड़ करके और इसको यहाँ लास्ट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं आप प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका जो टेक्स्ट है वह चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर और भी ज़्यादा देर के लंबा चाहते हैं तो उसको फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके उसके बाद डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे खींच करके यहाँ पे लगा देना है जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से अपने वीडियो में टेक्स्ट लगा सकते हैं जो नीचे चलता है। इसका आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड हो गया है और जो नीचे वाला कलर भी है उसका भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे आना है और बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करना है और यहाँ से चाहे तो ग्रीन जैसा चाहें आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा और भी डार्क करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको ठीक है 100% कर देना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा है। तो चलिए मैं एक बार प्ले करके फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको भी आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, कलर मतलब जैसा रखना चाहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं सेम एक ही। जब ये ख़त्म होगा तो ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।